जी भाई, अपना नाम? जी, मेरा नाम फैज़ान रहमानी है और मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ, बीवन एरिया का। पैदाइशी हमारी यहीं की है। बस यही चीज़ है कि जो हालात, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह की मतलब तबाहकारी हुई, जिस तरह पब्लिक को जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और जो पब्लिक को जो सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो पूरी दुनिया ही जानती है। और पाकिस्तान की बात करें या अपने इलाके की बात करें, अपने शहर की बात करें, कहीं की भी बात करें, वो हर किसी को इसने हिट किया है। ठीक है, उसके बाद कोरोना के बाद जो थोड़े बहुत सूरत हाल जो है ना अंडर कंट्रोल हुई है, काफ़ी चीज़ें जो है ना कंट्रोल किया, उसके बावजूद भी जो हमारी महंगाई का जो रुझान है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को अब जितने भी बुरे अल्फाज में कह लो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, जितने भी बुरे अल्फाज में कह लो, वो समझता हूँ कम है। इस गवर्नमेंट ने जितनी बुरी तरह सूरत हाल पैदा की, जो कंडीशन क्रिएट की है, वो मैं समझता हूँ जितनी पिछली जो हमारी एक्स गवर्नमेंट्स थी, जिनकी जो उनकी गवर्नेंस रही है, उसमें अगर चाहे वो भले चोरी का इल्ज़ाम लगा लें या उनको करप्शन का इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन इस तरह आवाम की चीखें तो नहीं निकलवाई, जिस तरह आवाम अभी इस तरह परेशान है। गवर्नमेंट से हमारी जान छुटी है तो वापस इससे बढ़िया मतलब मुझे गनीमत कोई नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद इन मसाइल को हल कर सकती है प्रैक्टिकली? सर, इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है, इस्लामाबाद तो बात की बात है, मतलब पहले गवर्नमेंट का मतलब इस्लामाबाद है, लेकिन पहले जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, सबसे पहले उसको टैकल करना चाहिए, लेकिन वही सीरियस नहीं है तो फिर इस्लामाबाद को हम क्या बोलें। एक 18वीं तरमीम है, एक 2020 में आई थी, उसके तहत वफाक जो है सूबाई मैटर के ऊपर अगर मुदाखलत करेगी तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लिहाजा ये जितने भी मामलात हैं, इन मामलात को वफाक नहीं डील करती, बल्कि इदारे जो इंडिपेंडेंट होते हैं नाजरीन, वो इन चीज़ों को करते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी एक पार्टी को जिंदगी भर के लिए, क़यामत तक के लिए हुक्मरानी मत दो। अमेरिका में 8 साल से ज़्यादा एक गवर्नमेंट नहीं रहती, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता सिवाय थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, कि एक हुक्मरान आया, अब वो उस वक्त तक हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी है। उसके नुकसानात क्या होते हैं अजीज़ ब्रदर अजीज़? उसके नुकसानात ये होते हैं कि वो तमाम इदारों को अपने कब्ज़े में ले लेता है, और फिर लेने के बाद वो अपने मफादात का तहफ़ करवाता है। फिर जब उसकी हुकूमत चली जाती है, समझिएगा, जब उसकी हुकूमत चली जाती है तो दूसरी जो हुकूमत आती है तो वो अपने आलाकार के ज़रिए, मौजूदा हुकूमत जो भी होगी, वो उसको नाकाम करने की कोशिश करते हैं अपने उन लोगों के ज़रिए जिनको अपने दौर में उसने अपॉइंट किया था। जैसे स्टील मिल बर्बाद हो गया, PIA बर्बाद हो गया, डाकखाना बर्बाद हो गया, TNT बर्बाद हो गया, KMC बर्बाद हो गया, वाटर बोर्ड बर्बाद हो गया, वापदा बर्बाद हो गया। वजह क्या है? उन सारे इदारों पे कब्जा, सियासी कब्जा किया गया। तो अगर आप चाहते हैं आपका मसला हल हो, तो किसी एक हुक्मरान को क़यामत तक के लिए मत हुक्मरानी करने दें। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं कि इनका जो है ना एक ओरिएंटेशन पीरियड होना चाहिए कि 2 साल में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अब ये जो PTI की गवर्नमेंट जो अपनी एक प्रोग्रेस अपनी इश्यूज करती है एनुअल बेस पे या आफ्टर 2 ईयर्स, उस प्रोग्रेस बेस के ऊपर जो है ना इन लोगों को एक कमेटी जो है ना लॉन्च करनी चाहिए। वो कमेटी जो है ना पब्लिकली कमेंट्स लेगी कि आया कि इस गवर्नमेंट को मजीद स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पब्लिक सबसे बड़ी चीज़ है, पब्लिक कमेंट्स। ठीक है ना, यानी पब्लिक अवेयर अवेयरनेस होगी तो कमेंट्स करेंगे ना। ठीक है ना, पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट गया। साथ साथ एक बात और मैं बताऊं, पब्लिक कमेंट्स उस वक्त करती है जब पब्लिक कमेंट्स उस माशरे की पब्लिक कमेंट्स करती है जो वोट भी आग खोल कर देती है। आग खोल के जाती है, बिल्कुल सही बात है। हमारी सबसे बड़ी पब्लिक ही बेवकूफ़ है जो बिल्कुल आग बंद करके मतलब समझे कि अंधाधुंध भरोसा करके जो है ना बटठप्पा मार के आ जाते हैं। यानी आपका मसाइल आपके हाथ में है, हमारा मसाइल हमारे हाथ हम में है। खुद क्रिएटेड है, बिल्कुल क्रिएटेड है। हम खुद इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कि हमें ये सोचना है कि यार इसको वोट देना है या वोट कास्ट नहीं करना है, इसको देना है नहीं देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। क्या एक बंदा खराब हो तो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे क्या हम लोग? अगर खराब हो, खराब हो तो दो है, एक अगर दवाई के जरिए खराबी रिमूव की जा सकती है तो उसका इलाज करवाएं, चूंकि खराबी का इलाज होना चाहिए।
खराबी का इलाज दवाई के जरिए हो और दवाई ना हो, नासूर हो तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो दुनिया में दो तरीके से इलाज होता है, या सोशल इलाज हो या पर्सनल इलाज हो। अगर ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी इस्लामाबाद ने नहीं किया, किसी इदारे ने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, अगर हम एक एक कतरा, एक एक च्युइंगम का जो पॉइंट है, एक जो उसकी जो पन्नी है वो फेंकना बंद कर दे, हमारा मोहल्ला साफ रहेगा। उसी तरह अगर कोई कहीं गंदगी नज़र आती है, वो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पोल्यूशन, एक पॉलिटिकल पोल्यूशन होता है, ये हमारे अपने हाथ में है। हम जितना जू जू अवेयर होते जाएंगे, बताते हैं जू जू हम अवेयर होते जाएंगे, यानी जानकारी में इजाफा होता जाएगा, हम मसाइल हमारे कम होते जाएंगे। पन्नी का जवाब ये है कि हम अपने पास एक डस्टबिन रखें, उसमें डालें उसको, हम भी यहाँ करते यही हैं। हम आपको बड़ी हैरत होगी, हम जेब में डालते हैं, क्योंकि अगर चॉकलेट खाया, चॉकलेट की पन्नी को जेब में डाला, घर जा कर के प्लास्टिक पॉलीथीन में रखा, जो सुबह आता है जमेदार उसको उसके हवाले कर दिया। ये है उसका तौर, ये है उसका तरीका, हर चीज का तरीका। रिश्वत का बाजार खत्म हो गया ना, एक चीज रिश्वत का बाजार खत्म हो गया ना, ये मुल्क का निजाम सेट हो जाएगा। जहीर भाई, रिश्वत हम देते हैं तब वो लेगा। मैं बिजली के लगवाने के लिए एक जगह गया, उन्होंने मुझसे पैसा मांगा, मैंने कहा कितना वक्त लोगे, कहना वरना 4 महीना, मैंने कहा 4 साल लो, हम पैसे नहीं देंगे, आप यकीन करें दूसरे हफ्ते वो आ गया। हमने उसकी एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा आपसे डर की और खौफ की वजह से उनकी वीडियो बनी और इस वजह से आपका काम हो गया। यार रोटियों ये खिसक खिसक के मर जाएंगे, बत्ती का बिल आ जाएगा, मीटर नहीं लगेगा, आपने सी एप्लीकेशन। ये मामला जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की रूटीन का हिस्सा नहीं है। दुनिया, आप जिस मुल्क में रहते हैं और दुनिया जिस मुल्क से चलती है, आवाम को लेकर चलती है, वो निज़ाम के तहत चलती है। यहाँ निज़ाम कोई नहीं है, ये कचरा इसका बिल आता है, बिल दिया जाता है, कचरा रोजाना जमादार क्यों नहीं ले आ रहा? हफ्ता सफाई बनी है ना, वो क्यों नहीं रोड में बना? हफ्ता सफाई में हर चीज के पैसे दे, लोगों ने झाड़ू दी, सफाइयाँ करी, लेकिन किसने कराई है? पार्टी ने करवाई हफ्ता सफाई। अब क्या हुआ? अब गटर चौक करके बोरियों में बंद कर दिए, चौक गटर का पानी रोड पे आ गया, गैस की लाइनें सड़ गई, पानी गटर का उसमें आ गया। ये किसने किया? ये हमने किया? नहीं, आवाम ने नहीं, ये पार्टियों ने किया, अपना बजट बनाने के लिए, अपना हराम खाने के लिए, अपनी रिश्वत लेने के लिए, अपना पैसा खाने के लिए गटर की मेन लाइनों में उतरे। हम लोगों के, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा गो हैं, लेकिन इन सियासतदानों ने हफ्ता सफाई में गटर में उतरवा के झाड़ू लगवाई, सफाइयां करवाई, लंदन में बैठ गए। हम टिक्कन टिक्के खा रहे हैं। हमारे स्वाड़ सत्तार साहब ने क्या करा? उन्होंने भी झाड़ू लगाए, शेख बुखारी की बिल्डिंग नहीं टूटी है, आज भी वहाँ मेन रोड के पास बनी हुई है, लोगों के मकान टूट रहे, उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रही भाई? उसका क्या कसूर, हमारी आवाम का क्या कसूर है? उसकी क्यों नहीं बिल्डिंग नाले पर लोगों के मकान टूट रहे हैं, बन रहे हैं? हर बकरीद में जानवर इतना महंगा होता है, पैसा लेते हैं, बाड़े के बाड़े उन लोगों ने बना रखे, किसके हैं? मिनिस्टर किसके हैं? वजीर के? अमृती घंटा क्यों महंगा हो गया? इनके तोड़ दो फार्म, आवाम को क्यों नहीं, तुम कच्चे मकान तोड़ के मकान क्यों नहीं दे रहे उनको? तुम हाई कोर्ट का आर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, एक आदमी बना रहा और एक आदमी तोड़ रहा है, पीपल पार्टी, दूसरी पार्टियां, तीसरी पार्टियां, ये आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे हमदर्द हैं, सीने पे हाथ रखते हैं, आइए हम ताबेदार हैं, हम आपके गुलाम हैं, आपकी बहुत खिदमत करेंगे। हम लोगों से वोट लगवाए, हमने इन पे भरोसा किया, पीछे से इमाम के नमाजी नमाज पढ़ा रहा, पीछे से वो जमाती गायब हो गए, पीछे से निकल गए, आप क्या करोगे? आप जवाब तो दो मेरे को, हम तो फाता दिलवाने गए थे इमाम साहब के पास, मिठाई लेके गए, वही मिठाई वही बट गए, हमारे हाथ में तो खाली प्लेट आ गई, हमने अपनी अम्मा को बोला, अम्मा ये कहना मिठाई बट गई, बेटा सवाब मिल गया, इसका अल्लाह को मिल गया। तो इसका हल का हाल ये होगा तो हम लोग कहाँ से सेट होंगे? आप ये बताइए, माशरे को सब कट गए, आप बताओ फजलुर रहमान साहब लड़ रहे हैं ना, किसके लिए लड़ रहे हैं? आवाम के लिए लड़ रहे हैं, बसें हैं, अपना मफाद, ट्रेनें चल रही, ट्रेन का हादसा हर साल रमजान में क्यों होता है, अब क्यों नहीं हो रहा है? हाईवे की बसें, पेट्रोल महंगा हुआ सस्ता हुआ,
पेट्रोल के पैसे एकदम टक करके राइड हुए, इन सियासतदानों ने अपने पंपों को ये मना कर दिया, कह रहे हैं पेट्रोल पंप बंद कर दो, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। जब सस्ता हुआ था तो फिर उन्होंने डाउन करना था, नहीं बंद कर दिया। ये हम लोग का हाल है भाई, पेट्रोल बढ़ाने के लिए तो बढ़ते हैं, कम होने के लिए ये हड़तालें कर लेते हैं। ये हड़तालें पंप ये गरीबों का नहीं है, पब्लिक के पंप नहीं है, ये लीडरानों के, ये बड़े बड़े वजीरों के, बड़े बड़े गवर्नर माफिया है, ये माफिया ये चल रहा है, इस पे निजाम चल रहा है, ये कैसे चल? तो इस माफिया की देखभाल कौन करने वाला है? यकीनन हुकूमत, हाई कोर्ट से आर्डर हुआ। एक एक आर्डर है, एक चीज है कि हमारे मुल्क में दुनिया को पता है कि ये कहाँ ये गाड़ी जो है ना पुलिस वाला नहीं हटा सकता, ठीक है, ये गाड़ियाँ खड़ी पुलिस वाला नहीं हटा सकता, ये पूरी सियासी पार्टियों का हर आदमी को पता है। अगर यही काम अगर आर्मी के हाथ में देते, जा भाई या तो गाड़ी हटा, गाड़ी नहीं हटा तो पीछे बांध के गाड़ी लिया। आय हाय हाय क्या बात की मेरे भाई ने, तो ये गाड़ी या खड़ी नहीं हो सकती। तो निजाम जो है मेन चीज जो है हमारे मुल्क के अंदर किसी भी मत में निजाम कोई नहीं है। तो अब इलेक्शन की बात आ गई, इलेक्शन की बात आ गई, आप वोट डालें या ना डालें, वोट डल गया, अब आपकी जरूरत नहीं है कि आप वोट दे के वो जीत रहे हैं, उन्होंने हिसाब कर दिया, आप हमें नहीं दे रहे जिताने के लिए। ये कारोबार है, ये कारोबार है, हर आदमी अपने कारोबार में पैसा लगाता है, सियासतदान सियासत में पैसा लगाता है, जितना लगाएगा उतना कमाएगा। मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा में पैसा लगाता हूँ, मैं उसके हिसाब से कमाता हूँ, हर किसी का कारोबार है। लेटेस्ट इशू क्या है? गैस? नहीं नहीं सर, जो गैस का इशू है, गैस ठीक है, सबसे बड़ा जो लेटेस्ट इशू चल रहा है पब्लिक के लिए वो खेला गैस का, ठीक है जी। अब देखें बलूचिस्तान हमारा जो सबसे बड़ा हब है हमारा गैस का, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा हब है, काम करना चाहे काम करने वाले करते हैं, या फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखें वो किस, चाइना हमसे जो है ना बोलता कि यार सर सिर्फ हमें जो अपना सूबे का हाफ हिस्सा हमें दे दो, देखो काम करके दिखाएंगे, लेकिन देना नहीं चाहेंगे, पोजेशन ले लेंगे। फला 636 जो है ना मनगढ़ंत बातें हैं, तो बिला फजूल की जो समझो कि गैर जिम्मेदारी तो है ही, देना नहीं है, काम ना करना ना करवाना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गैस का इशू है, एमडी जो श्री नॉर्दर्न गैस हैं उनको पब्लिक कैरी के उसको जो है ना रेस्टिगेट करें, ठीक है, प्रोटेस्ट होता रहेगा, प्रोटेस्ट से सर कुछ भी नहीं होगा अपना, वो उसकी ना टर्मिनेशन होगी ना वो रिजाइन करेगा, वो अपनी अपनी जो है ना पूरी पूरी सैलरी विड्रॉ करता रहेगा और अपनी पोजीशन पे जो है ना वो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना सर। गैस का सबसे बड़ा जो इशू है, और ये कहीं अब तो दुनिया न्यूज़ पे मैंने अभी देखा कि सुबह कुछ घंटे गैस आएगी, दोपहर के लिए गायब रहेगी, फिर शाम में कुछ घंटे आएगी, फिर रात को किस घंटे, ये कौन से यार कौन सी आप लोग गवर्नेंस आप लोग जो है इस्टेब्लिश की हुई है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आपका पूरा पूरा फेल है क्या, किस बात की गवर्नेंस है? तो बस मैं तो यही कहूँगा कि इस सोशल चैनल के थ्रू कि प्लीज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यू हैव टू रिज़ाइन, यू नीड, यू हैव टू रिज़ाइन। अच्छा रिज़ाइन होने के बाद फिर किसको फिर आप देखते हैं जो सही करेगा? सर वो भी एक बड़ा मसला है, मैं तो कह रहा हूँ उस पर सिर्फ जो है ना हमारी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमपीएम हो, जमात इस्लामी हो, इवन के जो करंट पार्टी पीटीआई हो, कोई पार्टी हो, इन लोगों पर मैं कहता हूँ कि हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी फौज सबसे बड़ी, हमारे सबसे बड़ा जो इदारा है जो वो हमारा है, मैं कहता हूँ मार्शल लॉ लगा इना विज इना मार्शल लॉ, इससे टोटली जो हमारा हमारा क्या नाम है इशू है, समाजी मसले का हल है मार्शल, जो सोल्यूशन है मार्शल लॉ, ना गवर्नेंस होगी। इसको कहते हैं तंग आमद तो जंग आमद, जब आवाम परेशान होती है तो आखिरी में वो यही बात करती है कि भाई बेहतर यही है कि मार्शल का कानून आ जाए, बेहतर यही है कि फौज आ जाए, सदर कोई भी शख्स उसको लगा दो। दूसरी बात ये कोड़े लगा दो कि हमारे मुल्क का जो निजाम है ना, कैसा खुदा और कैसा रसूल, कैसा खुदा पैसा रसूल, यह निजाम खत्म हो गया। कैसा खुदा कैसा रसूल, पैसा खुदा पैसा रसूल, सुभान अल्लाह। इदारों को जो थोड़े बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर दे वो चला रहे हैं, अगर इंशाल्लाह मार्शल लॉ लग गया तो मार्शल लॉ आने से यही फायदा होगा कि एक मिसाल के तौर पर पोस्ट ऑफिस की ब्रांच भी है, वहाँ पोस्ट मास्टर नहीं बल्कि फौजी एक ऑफिसर बैठा हुआ होगा, ठीक है। सुई गैस में उनका कोई एमडी नहीं बैठा होगा बल्कि कर्नल जनरल कोई ना कोई बैठा होगा, कम से कम ईमानदार तो बंदा बैठा होगा उसूलों वाला। सीधा सीधा इस मुल्क का हल जो है वो यही है, मार्शल लॉ, जस्ट वन एंड ओनली मार्शल लॉ। ये जम्हूरियत के खिलाफ नहीं है, ये नहीं, हमारे जवान है, आई एम नॉट अगेंस्ट, इसका मतलब हर किसी डेमोक्रेसी
इसका मतलब सिर्फ यही है कि हर सूरत में हमें हमारा बुनियादी हक हमें मिलना चाहिए। आपको अगर अपना बुनियादी हक लेना है नाज़रीन, तो ज़रूरी ये है कि अपने हकूक से आगाह रहिए। वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनको जिनका कानूनी अखलाकी आइनी हक मालूम हो।